महाराष्ट्र के नागपुर में राज्य बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत की लग्जरी कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। पुलिस ने इस मामले में कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। खबरों के मुताबिक कार सवार लोग एक बियर बार से लौट रहे थे। देर रात नागपुर पुलिस ने संकेत का बयान भी दर्ज किया है। संकेत की कार ने सबसे पहले जितेंद्र सोनकामले नाम के एक व्यक्ति की कार को टक्कर मारी और फिर एक मोपेड से जा टकराया। हादसे में मोपेड सवार दो लोग घायल भी हो गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रौनक, क्या कुछ जानकारी यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि जिस तरह की खबरें मिल रही है उसके मुताबिक तो बयान भी दर्ज हो गया है। क्या शराब के नशे में थे या नहीं थे, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ हो पाई है? जी देखिए, अभी तक मेडिकल रिपोर्ट जो पुलिस ने मेडिकल कराया उसका रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं हुआ है। हालांकि थोड़ी देर बाद नागपुर पुलिस इसमें औपचारिक तौर पर जो है वो अपना बयान जारी करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में जो FIR दर्ज की गई है उसमें खास तौर पर जो बात सामने निकल कर आ रही है कि जिस गाड़ी ने लगातार तीन गाड़ियों को ठोकर मारी, जबकि चंद्रशेखर बावनकुले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनके बेटे पर जब आरोप लगे तो उन्होंने मीडिया के सामने जो बयान दिया है उन्होंने ये माना है कि ये गाड़ी उनके बेटे के नाम पर है। लेकिन सवाल ये कि FIR में फिर इस बात का जिक्र क्यों नहीं है, तो क्या पर्दे के पीछे पुलिस पर किस तरह का कोई दबाव डाला जा रहा है? इस तरह का आरोप जो है वो विपक्ष अब लगाता हुआ दिख रहा है। मुख्य तौर पर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि संकेत बावनकुले की पूछताछ भी देर रात को पुलिस ने की है, उनका भी बयान दर्ज कराया है। फिलहाल जो CCTV अब तक सामने निकल कर आया है उसमें गाड़ी में संकेत बावनकुले कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या वो गाड़ी में था? वहां पर शशमती जो है, आसपास जो दुकानें हैं, पुलिस उनके भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि खुद चंद्रशेखर बावनकुले की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी भी तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि ये गाड़ी संकेत बावनकुले के नाम पर है और वही गाड़ी में थे, लिहाजा इस पर जो है पुलिस ने निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। कुछ देर बाद अधिकृत तौर पर अदिति इस मामले में नागपुर पुलिस की तरफ से बयान आने की उम्मीद है। जी रौनक, संक्षेप में बताएं कि जिन लोगों को टक्कर लगी है, जो मोपेड सवार दो लोग थे, क्या उनकी हालत ठीक है? प्राथमिक तौर पर जो जानकारी पुलिस की तरफ से कल दी गई थी मामूली चोटें आई है, लेकिन गाड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये घटना एक जगह नहीं हुई, ये मुंबई के रामदासपेट इलाके में रात 12:30 बजे पहली घटना हुई जहां पर एक के बाद एक तीन गाड़ियों को ठोकर मारी गई और उसके बाद ये तेज रफ्तार से, क्योंकि कुछ लोग पीछा कर रहे थे इस तरह का, उन लोग को लगा कि कुछ लोग उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, लिहाजा वो नागपुर से काटोल एक पास में इलाका पड़ता है जो नागपुर के बाहर ली जाती है वो सड़क, उस रास्ते पर जाने लगे और वहां एक और गाड़ी को इन्होंने टक्कर मारी और उस दौरान वहां पर भीड़ जमा हो गई और ये पूरा मामला जो है वो पुलिस स्टेशन तक पहुंचा, तब इस मामले का खुलासा हुआ कि ये गाड़ी जो है वो संकेत बावनकुले के नाम पर है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि क्या उस गाड़ी में जो पहली टक्कर मारी थी उसके बाद संकेत कहीं बीच में उतर गए, या फिर अगर वो गाड़ी में तो कहीं उतर गए, या फिर जो बाद में यहाँ पर टक्कर मारी गई काटोल रोड पर वहां पर वो लोगों पर नजर नहीं आए, ये जांच का विषय जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। शुक्रिया रौनक इस तमाम जानकारी के लिए।